दुकान देखे थे साले दुकान तो है ओए। बावन 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 तिरपन दो दादाजी के दुकान को यहाँ पे 52 साल हो चुके हैं। तो सबसे पुरानी दुकान आपकी थी ना यहाँ पर जी। तो आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर छोले, समोसे, जलेबी, चाउमीन और मिठाई बनते हैं, लड्डू मिठाई। देख सकते हो नीचे बहुत प्रकार की मिठाई बनी हुई है। तो आप इस वैसा चाउमीन खाने के लिए आए हो कि डॉक्टर के पास आए थे? डॉक्टर पास है। तो डॉक्टर ने बोला कि चाउमीन खाना है। और कहने लिए तो या कहने लिए। अच्छा आप क्या पी रहे हो? तम्बाकू? तो किस तरह के नीचे वाला या अलग ही दिखाई दे रहा है? अच्छा आपने बनाया? हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू कुशल ब्लॉग में। आज सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी दिन के 12 बजे से हो रही है। तो आज के ब्लॉग में मैं कराऊंगा आपको फ्रेखाल का टूर, जो कि हमारा लोकल मार्केट है और पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। फ्रेखाल होगा हमारे गाँव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैं फ्रेखाल से थोड़ा बहुत पहले ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। यहाँ से फ्रेखाल की दूरी होगी लगभग 0.5 किलोमीटर। यहाँ से पूरा हिमालय रेंज दिखाई देता है, पर आप पूरी धुंध लगी हुई है पहाड़ियों पर। देख सकते हो नीचे पहाड़ी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। फ्रेखाल ये राई साइड के लिए, तो ये मेल्ला फ्रेखाल है और तल्ला फ्रेखाल यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम जाएंगे तल्ला फ्रेखाल से, और मेरे साथ आ रखा है मेरा भांजा आशू मुझे कंपनी देने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ फ्रेखाल में। तो अभी मैं हूँ तल्ली फ्रेखाल में। तो सबसे पहले आपका तल्ली फ्रेखाल का टूर कराते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें और जो आपके नीचे की दुकानें दिखाई दे रही है, ये बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पर। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ दुकान में। तो ये हमारे इलाके का सबसे पुराना दुकान है। तो कितने साल हुए होंगे से इस दुकान को? दुकान को हो गए होंगे लगभग 30-40 साल। 30-40 साल हो चुके हैं। और सबसे पहले किसकी दुकान खुली थी यहाँ पर, किस चीज की? चाय से शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय की दुकान थी, अब इतना बड़ा दुकान बन गया। कितना कमरे होंगे यहाँ पर कुल मिला के? गिनना पड़ेगा यार, कम से कम 15-20 तो होंगे। 15-20 कमरे यहाँ पर, और यहाँ पे सब सामान मिल जाएगा आपको। अब चलते हम दूसरी दुकान में, और यहाँ पे है चाउमीन की दुकान। देख सकते हो यहाँ पे ताऊ जी ने चाउमीन बना दी ग्राहकों के लिए। तो दाऊ जी नमस्ते। नमस्ते भाई। तो आपकी दुकान यहाँ पे कितने सालों से है, मतलब कितने साल ही तुम्हारी दुकान दिया? अरे मार्च पत्नी के करा पता नहीं चले करा खाते। अच्छा फिर भी बताओ ना, अंदाजा तो होगा। क्या अंदाजा तो पता होगा किसको? जो यहाँ दुकानदार है। तो आप तो यही रहते हो, मैं आपको यही देखता हूँ। अच्छा तो दाऊ जी को पता नहीं कितने साल हुए। तो ये दुकान भी बहुत पुरानी है वैसे। और यहाँ पे चाची जी चाउमीन खा रहे हैं मुझे से। चाची जी कहाँ से आप, कौन से गाँव से? चाची जी पापतोली से है। तो आप इस वैसा चाउमीन खाने के लिए आए हो कि डॉक्टर के पास आए थे? डॉक्टर पास है सर। तो डॉक्टर ने बोला कि चाउमीन खाना है। और कहने लिए तो या कहने लिए। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ से नीचे के लिए एक डॉक्टर का दुकान, तो अभी आपको डॉक्टर से मिलाते हैं, जो कि हमारे इलाके के काफी पुराने डॉक्टर है। नमस्कार। नमस्कार जी, और बढ़िया? हाँ बढ़िया। और क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं, और ठीक हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शिवचंद दसवारा। तो कितने साल हुए आपको यहाँ पे दुकान खोले हुए? 35 साल। तो यहाँ पे 35 साल हो चुके हैं। तो यही आपने मकान भी बना दिया ना? फिलहाल बना ही दिया। तो यहाँ पे दूर दूर से ये आते हैं, क्या बोलते उनको, पेशेंट आते हैं। आपसे मैंने यहाँ पे कुछ दुकानदारों से मिला दिया है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। देख सकते हो नीचे मार्केट है, और नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको चीड़ के पेड़, और इस तरफ के लिए देखिए बांस बुरांस बहुत सारे पेड़ है इस तरफ के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो रोड डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सीधे रोड जा रहे हैं बैजरों के लिए, और जो तो नीचे की तरफ जा रही है ये जा रही है रामनगर के लिए। और यहाँ पे बॉर्डर का एरिया भी है, तो इस तरफ के लिए लग जाता है पट्टी चौथान, और ये सड़क के नीचे का एरिया है, ये लगता है पट्टी ढोने शिव में। यहाँ पर ये सुंदर सा यात्री सैंड भी बन रखा है, और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, काफ़ी मस्त व्यू आता है। ये पूरा ढोने शिव में आता है, और देख सकते हैं काफ़ी सारे गांव नज़र आएंगे आपको यहाँ से।
अभी आ चुके हम नीचे वाले ऊपर खाल में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जूस की दुकान है। यहाँ पे हर प्रकार के जूस मिल जाएंगे आपको, दुकानदार नहीं थे तो यहाँ पे दुकानदार नहीं दिखाई दे रहा है। दुकानदार ऊपर है देख सकते हो, यही यहाँ पे जूस बनाते हैं। अच्छा नमस्कार, अभी यहाँ पे दुकानदार आ चुके हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी प्रकार के जूस है। तो किस किस का जूस बनाते हो आप? हम बनाते हैं माल्टा, ब्रांच, अच्छा। अगर किसी को चाहिए हो तो अपना नंबर बताना इसमें। हाँ संपर्क कर सकते हैं, नंबर बताना। जगह होगी तो हम बेच सकते हैं। 9818515540 तो संपर्क करना अगर किसी को चाहिए होगा जूस। आप देख सकते हैं ऊपर खाल में काफी फास्ट फूड की दुकान है, और यहाँ पे है लकड़ी की दुकान जहाँ पे फर्नीचर बनते हैं। यहाँ पे दुकानें बंद हो रही है इस टाइम, सब लंच करने के लिए जा रहे शायद। आगे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये उफरे देवी मंदिर है, इसी के नाम से यहाँ का नाम उफरे खाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे ताऊजी बैठे हुए हैं, तो ताऊजी यहाँ पे किस चीज की दुकान है? चाय पानी का। अच्छा आप क्या पी रहे हो? तंबाकू? तो ये किस तरह के नीचे वाला या अलग ही दिखाई दे रहा है? अच्छा आपने बनाया? ना ना मैंने नहीं भाई, वहाँ सप्पल ही मिलता है। अच्छा आप यहीं के उफरे खाल के? हाँ, कफल गाँव। यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है उफरे खाल का ग्रामीण बैंक, जो कि आप बंद है संडे के दिन। तो दोस्तों मैंने आपको इस तरफ का मार्केट दिखा दिया है, इस तरफ के लिए मार्केट ज़्यादातर बंद थी क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन यहाँ पे कम भीड़ रहती है, और जब स्कूल खुला रहता है या कॉलेज खुला रहता है तब तो बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कॉलेज और स्कूल के, तब यहाँ पे अच्छी खासी बिक्री हो जाती है दुकानदारों की। अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल उफरे खाल का राजकीय एलोपैथी चिकित्सालय, और आज भी यहाँ पे बंद होगा क्योंकि आज संडे है। तो आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, यह है राजकीय महाविद्यालय का बोर्ड जो कि ऊपर बना हुआ है, बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है, और ये ऊपर के लिए सड़क बनी हुई है यहाँ से। तो अभी आपको पहले यहाँ मार्केट की वीडियो बनाते हैं, इसके बाद आपको ऊपर कॉलेज दिखाते हैं। जब हम यहाँ पे स्कूल पढ़ते थे तब यहाँ पे बहुत कम दुकानें थी, और जब से यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे घर भी बन चुके हैं, दुकान भी बन चुकी है, पूरा मार्केट बन चुका है यहाँ पर पूरे खाल में। देख सकते हो यहाँ नीचे भी बहुत घर बन रहे हैं, अभी पूरा काम लगा हुआ है यहाँ पर। सड़क के किनारे तो बहुत ही ज़्यादा घर बन चुके हैं, तो अभी आपको आगे दिखाते हैं। अभी मैं एक दुकान में और आ चुका हूँ, तो दुकानदार कौन हो आप? अच्छा तो क्या क्या बनते हैं आपकी दुकान में? यहाँ पे सभी आइटम बनते हैं। अच्छा मिठाई से लेकर ये क्या बना रखे आपने? तो आंटी जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आपका शुभ नाम? शांति देवी। नाम? अच्छा शांति देवी। अच्छा तो आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर छोले, समोसे, जलेबी, चाउमीन और मिठाई बनते हैं, लड्डू मिठाई। देख सकते हो नीचे बहुत प्रकार की मिठाई बनी हुई है। तो आप कौन से गांव से हो? निमुड़े। निमुड़े? कितनी दूर है यहाँ से फिर खाल से?
यहाँ से होगा एक घंटा का रास्ता। अब किलोमीटर का तो हमें पता नहीं है, पर एक घंटे का रास्ता है। अच्छा, पैदल जाते हो कि गाड़ी में? गाड़ी से जाते हैं। अच्छा, खाल तक गाड़ी में जाते हैं, वहाँ से पैदल। अच्छा, अभी पहुँच चुका हूँ मैं फिर खाल के सबसे पुराने दुकान में, जो कि यहाँ पे काफी पुरानी दुकान जिनके, तो यहाँ पे तो दादाजी को नींद आ रखी है, तो उनको नहीं उठ कर रहे डिस्टर्ब, तो उनका पोता है यहाँ पे दुकान में, तो उससे पूछते हैं। तो हेलो भाई, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ है। अच्छा, तो आपकी दुकान कब खुली थी यहाँ पे, कितने साल हुए होंगे? हमारी दुकान 1974 में खुली थी, फर्स्ट हमारी खुली थी, जो कि ऊपर बनी थी, और रोड आने के कारण नीचे शिफ्ट कर दी दुकान को, जो कि आप ये दुकान हमारी परसों की दुकान है। यहाँ पे सब सामान मिल जाता है, सब ए टू जेड सामान मिल जाता है। पहले ऊपर से रास्ता था ना कॉलेज के, स्कूल के लिए? हाँ हाँ, सारे रास्ते उधर ही से थे पहले। और जब सड़क पे नहीं तो आपने नीचे बना दिया दुकान। हाँ। यहाँ पे दादाजी उठ चुके हैं, अभी तो दादाजी सो रहे थे यहाँ पे। तो दादाजी नमस्ते आपको। तो आपकी दुकान को कितने साल हुए यहाँ पर? कितने साल हुई तुम्हारी दुकान पे? कितने साल हुई तुम्हारी दुकान पे? दुकान देखे साले? दुकान तो है ओए। बावन 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 तिरपन। तो दादाजी के दुकान को यहाँ पे 52 साल हो चुके हैं। तो सबसे पुरानी दुकान आपकी थी ना यहाँ पर? जी। यहाँ पर सौरभ भाई का भी YouTube चैनल है, तो अपने YouTube चैनल का नाम बताना। तो गाइस, मेरा भी YouTube चैनल है, जो कि SR गढ़वाली के नाम से है, ये देख सकते हैं आप। और मैं भी तेजो भाई का सब्सक्राइबर हूँ, काफी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं तेजो भाई के ब्लॉग को। और भाई के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर वास्ट टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो आप भी जाके इनकी वीडियो देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए यहाँ। अरे क्या कर रही थी यहाँ पर? हाँ कुछ नहीं। अरे क्या रखा इसमें डब्बे में? किसने रखा है? तेरे पापा ने। किस चीज का अचार है? मिर्ची। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ के सबसे पुरानी फास्ट फूड के दुकान में, जहाँ की हमने स्कूल टाइम पे बहुत सारे चाउमीन खाए थे। ये रहे यहाँ पे सेवा भाई, जिनकी की यहाँ पे बहुत पुरानी दुकान है। तो कितने साल हुए आपकी दुकान को यहाँ पर? 16 साल हो गए लगभग लगभग। अच्छा, आपने बहुत चाउमीन खिलाई यहाँ पे बच्चों को? छुट्टी के दिन आज कोई नहीं है, आज हम लोग भी होली का एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कल होली है। होली है, दुकानदार अब थोड़ा ढीला चलेगा, सब गांव की ओर चले गए होली खेलने। और आप लोग आज घूम घाम रंग लेने आए हो आप लोग? नहीं, इधर घूमने के लिए आए, ब्लॉग बनाने के लिए स्पेशल। बढ़िया। यहाँ पर एक बेकरी की दुकान भी है, जहाँ पे आपको बेकरी के सारे सामान मिल जाएंगे, दे सकते हो। तो भाई लोग, हमारे गोविंद पराय जी का यहाँ पे बेकरी शॉप है। यहाँ पे जिस किसी आदमी को भी यार सज्जन व्यक्तियों का रिटायरमेंट पे किसी भी टाइम पे अगर शुभ कार्य है, तो अगर या शादी विवाह या किसी भी फंक्शन है, तो बच्चों का बर्थडे से लेकर कोई भी चीज यहाँ पे खुद केक भी काट सकते हैं, और हाथों हाथ लाइव आधा घंटे में केक आपको तैयार मिलेगा एकदम फ्रेश। और एकदम कोई बासी नहीं, कोई कुछ नहीं, तुरंत आप ऑर्डर करके तुरंत बनता है। ये भी अभी तुरंत ऑर्डर पे बन रखे हैं, और अभी भी अगर आप बोलना चाहोगे तो हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। ये हमारे यहाँ पे लगभग लगभग 1.5 साल लगभग शॉप को खुला हुआ हो चुका है, ये बेकरी शॉप को। और यहाँ पर बच्चे बर्थडे भी मनाते हैं, स्कूल के बच्चे, इधर बैठने की भी बहुत अच्छी सुविधा है। और ये देखिए काफी बढ़िया तरीके से सजा रखा है यहाँ पे। तो ये है भाई लोगों हमारा शॉप, गोविंद पनाई जी का नंबर आपको मेन गेट पे मिल जाएगा। नमस्कार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी भी मकान बन रहे हैं सड़क के दोनों किनारे, तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बन रही है। अब आपको आगे दिखा दी, आगे है एक हनुमान मंदिर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्त्री लोग सीमेंट लगा रहे हैं मकान पे, और यहाँ पे एक जवान लड़का भी लगा है मिस्त्री के काम करने में। तो अंकल जी, आप इसको शिकार हो गए प्लास्टर करना? बताओ ना, शिकार हो गया आप इसको? तो अंकल जी बोले कि हमारी फोटो मत खींचो। तो इनको काफी शर्म लग रही है यहाँ पर। पूरे उफरे खाल मार्केट में घूमते घूमते बहुत टाइम लग चुका है, अभी पहुंच चुके हम हनुमान मंदिर के सामने, तो आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। जो आपको ये बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है हमारे इलाके का अन्न भंडार, यहाँ पर सारा अनाज आता है।
और यहाँ पे है ताऊ जी का ढाबा। तो ताऊ जी आपके ढाबे को कितने साल हुए यहाँ पे? तो ताऊ जी के ढाबे को यहाँ पे 16-17 साल हो चुके हैं। तो क्या क्या बनता है आपके यहाँ? चावल बनाना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, सलाद है, चटनी है, रायता है, करी है। तो गाड़ी वाले यहीं पे खाते ना खाना? गाड़ी वाले ही खाते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ फिर खाल के सबसे अंतिम दुकान में। इससे आगे एक भी दुकान नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ग्राहक भी आ रखे हैं, ताई जी, चाची जी सब आ रखे हैं यहाँ पे। तो आप कहाँ से हो चाची जी? हम उड़ाने के। अच्छा, तो क्या खरीदो यहाँ फिर खाल से? हम सब्जी खरीदना। अच्छा, महंगा है? घर में नहीं उगाते हो सब्जी? सब्जी का कोई नमा दे, मत जानवर आ जाए नहीं। अच्छा, भगाते नहीं उनको रात में? रात में शेर जी संभल के मुझे भगा। बैठ जाना ना बाहर पे कंटा लेके। डंडा लेके कंटार कंटार सुंगराना छे ने छे चौक में दे मार फेरी। हम तो जे खा जा लो कोई ना मारण से शिकार खदी होने। अच्छा, तो दोस्तों मैंने आपको फिर खाल मार्केट पूरा दिखा दिया है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये था हमारे लोकल मार्केट जहाँ की आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे भीड़ तभी रहती है जब स्कूल और कॉलेज खुला रहता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो स्कूल और कॉलेज का मिलेगा कि फिर खाल में किस तरह के स्कूल और कॉलेज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।